नमस्कार जोहार, मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत और कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य और देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। सीएम ने इस पावन मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और जोहार कहा है। इस संदेश में उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी का यह पावन पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूँ। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति रांची द्वारा मोरहाबादी मैदान में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। वही जेएमएम नेता और गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। चंपाई सोरेन बोले, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं। असम सीएम बोले, उनके आने से मजबूत होगी पार्टी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी नेताओं से मिलने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं चाहता हूं कि चंपाई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दे। चंपाई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं, वो अभी दिल्ली में है, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है, आगे जाकर क्या होता है देखते हैं। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। 28 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में देखा जाएगा। इस दौरान 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा में भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 से 28 अगस्त के बीच रांची, रामगढ़, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा में मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आज भी शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साथ ही कई जिलों में दोपहर में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान कुछ हिस्सों में धूप निकलेगी। वहीं दोपहर बाद गरज के साथ बारिश होने की जानकारी दी गई है। रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत, शव की तलाश जारी। चाईबासा में रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि शव को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। गोताखोरों द्वारा डूबी लड़की के शव की तलाश की जा रही है। डूबने वाली लड़की का नाम जिक्रा खान था, वह 13 साल की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन नयाब गोहर को बचा लिया गया है। यह घटना सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह नहाने आई थी, माँ का देहांत हो चुका है और पिता बच्चन खान चालक का काम करते हैं। वह किसी काम से वाराणसी गए हुए हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार शाहीन परवीन को बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। जब दोनों बच्चियां नदी में नहाने आई तो शाहीन परवीन भी पीछे पीछे आई। जिक्रा नदी में डूबने लगी तो बड़ी बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वह भी डूबने लगी। तब शाहीन परवीन बच्चियों को बचाने के लिए नदी में कूद गई। बड़ी बहन को तो बचा लिया, लेकिन छोटी डूब गई। जमीन से 15 मीटर नीचे मिला ट्रेनी एयरक्राफ्ट, बलून की मदद से डैम से बाहर निकाला जाएगा। हादसे में पायलट और कैप्टन की हुई मौत। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान को भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने खोज निकाला है। इस हादसे में ट्रेनी पायलट और कैप्टन की मौत हो चुकी है। दोनों के शव 2 दिन बाद चांडिल डैम से मिले थे, जिस जगह पर कैप्टन के जूते मिले थे वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। वह क्षेत्र पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में है। 20 अगस्त को करीब 10:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से डिप्टी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर 30 साल के जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता ने उड़ान भरी थी। यह स्थान नौका विहार घाट से करीब 6 किलोमीटर दूर है। नौसेना ने रविवार को सुबह 9 बजे 4 मोटर बोट्स की मदद से किस्टोपुर और कल्याणपुर के इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को भी पोशाक और स्कूल बैग देगी राज्य सरकार।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी पोशाक और स्कूल बैग समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम हेमंत के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव जल्द ही विभागीय मंत्री को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद इसे वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट को भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 2.5 लाख बच्चे नामांकित है। अब तक इन बच्चों को सिर्फ किताबें मिलती थी, जबकि इस फैसले को मंजूरी मिलते ही बच्चों को स्कूल किट के साथ पोशाक और स्कूल बैग भी मिलेंगे। स्कूल किट में बच्चों को कॉपी और पेंसिल मिलती है, वहीं पोशाक में बच्चों को 2 सेट पोशाक, स्वेटर, जूते और मोजे दिए जाते हैं। इसके लिए सरकार बच्चों के बैंक खातों में राशि भेजती है। बबलू खान पहुंचा ईडी ऑफिस, अलकायदा में निवेश से जुड़े मामलों में होगी पूछताछ, डॉक्टर इश्तियाक का है करीबी। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हैं या नहीं, इसकी पड़ताल ईडी ने शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी ने बरियातू निवासी और डॉक्टर इश्तियाक के करीबी बबलू खान को पूछताछ के लिए तलब किया था। आज बबलू खान ईडी ऑफिस पहुंच चुका है। ईडी अब इस बात का पता लगाएगी कि रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा है। झारखंड के मजदूरों को तमिलनाडु में बनाया गया बंधक, रिहाई के लिए मांगे जा रहे पैसे। दुमका जिले के 11 मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बना लिया गया है। बंधक बनाने वालों ने रुपयों की भी मांग की है। इस संबंध में मजदूरों के परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है और अपनों की वापसी कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार दुमका के सभी मजदूर तमिलनाडु में एक कपड़ा मिल में काम करने गए थे, जहां मजदूरों को बंधक बना लिया गया और उनसे रुपयों की मांग की जा रही है। साथ ही परिजनों ने बताया कि उनके अपनों के साथ वहां मारपीट भी की जा रही है। इसकी सूचना मजदूरों ने खुद फोन पर दी है। मामला रविवार को प्रकाश में आया। एक परिवार से ऑनलाइन 15,000 रुपए भेज भी दिया, लेकिन मजदूर को अब तक नहीं छोड़ा गया है। मजदूरों के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों ने रविवार को दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार से मिलकर सारी बात बताई है। लाइसेंसी हथियारों की जांच करेगा पीटीआर प्रबंधन, सर्विलांस सिस्टम को किया जा रहा मजबूत। पीटीआर प्रबंधन लाइसेंसी हथियारों की जांच करेगा। पलामू टाइगर रिजर्व ने मामले में पलामू गढ़वा और लातेहार जिला प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है। पीटीआर और उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी लाइसेंसी हथियारों की जांच की जाएगी। पत्र लिखकर पीटीआर प्रबंधन ने 3 जिलों के अधिकारियों से लाइसेंसी हथियारों की सूची मांगी है। अभी तक 70 के करीब लाइसेंसी हथियार पीटीआर के दायरे में होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। नई गाइडलाइन के अनुसार हथियार का लाइसेंस लेने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यह गाइडलाइन पलामू टाइगर रिजर्व और उसके 10 किलोमीटर की परिधि में लागू होगी। मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 22 दिनों से थी पुलिस को तलाश, कई बर्तन समेत कीमती सामान बरामद। बोकारो जिला के 4 थाना अंतर्गत जोधा डीह मोड़ के संकट मोचन मंदिर में विगत 4 अगस्त की रात्रि में गणेश भगवान की चांदी का मुकुट, पोको कंपनी का मोबाइल, पीतल का बर्तन सहित नगद 5,000 रुपया अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तकनीकी सहायता एवं अन्य माध्यमों के आधार पर 4 थाना द्वारा अनुसंधान कर अभियुक्त संजू सरकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के पास से चोरी की गई गणेश भगवान के चांदी का मुकुट, पीतल का बर्तन, पोको कंपनी का मोबाइल, पीतल का सिरगी बरामद किया गया है। इस छापामारी दल में 4 पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी खुर्शीद आलम, पुलिस अवर निरीक्षक सुमिता सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक शर्मा भगत सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। उक्त जानकारी चासा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में चास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने दी। हिमंता बिस्वा शर्मा का चंपाई सोरेन को खुला ऑफर, कहा बीजेपी में आ जाइए। आज असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मेरी चंपाई सोरेन से बात होती रहती है, वो सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि चंपाई सोरेन जल्द भाजपा में आ जाए। चंपाई सोरेन की हर गतिविधियों पर भाजपा की नजर है। उन्होंने कहा कि अभी चंपाई दिल्ली में है और वो भी दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में दोनों की मुलाकात हो सकती है। हिमंता ने इशारा दिया है कि चंपाई अपने तीसरे विकल्प की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, वह आज फिर दिल्ली पहुंचे हैं। झारखंड टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, इन स्टेप्स को फॉलो कर तुरंत करें अप्लाई।
झारखंड राज्य में होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए पात्रता हासिल करने की सोच रहे युवाओं के लिए अंतिम मौका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में शामिल होने के लिए लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 तय की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। आक्रोश मार्च में बवाल मामला, रांची पुलिस ने दिया बाबूलाल मरांडी को जवाब, कहा सारे आरोप निराधार। शुक्रवार को भाजयुमो के आक्रोश मार्च के दौरान पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया था। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए थे। बाबूलाल मरांडी के आरोपों का रांची पुलिस के द्वारा एक पर लिखित रूप से जवाब दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया गया था ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। रांची पुलिस के द्वारा बाबूलाल मरांडी के लगाए गए आरोपों के जवाब में लिखा गया है कि महोदय, आपके द्वारा रांची पुलिस के ऊपर लगाए गए सभी आरोप तथ्य से सर्वथा परे और निराधार है। पुलिस के द्वारा सभी जिम्मेवारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया गया है। रांची पुलिस के अनुसार सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वीडियो फुटेज का यदि निष्पक्ष अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होगा कि रांची पुलिस ने बेहद संयम का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग किया है। कॉलेज ई समर्थ पोर्टल और कर्मी डेटाबेस की स्थिति 30 तक बताएं। रांची विश्वविद्यालय ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र के आलोक में अपने अंगीभूत कॉलेजों से ई समर्थ पोर्टल उपयोग और कर्मचारी डेटाबेस निर्माण की स्थिति 30 अगस्त तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अंगीभूत कॉलेजों के लिए ई समर्थ पोर्टल के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल काफी समय से बनाए गए हैं, लेकिन RU प्रशासन के संज्ञान में यह आया है कि इन कॉलेजों के प्राचार्य नोडल अधिकारी सक्रिय रूप से पोर्टल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। साथ ही प्राचार्य के लॉगिन के माध्यम से बुनियादी कर्मचारी डेटाबेस भी अभी तक नहीं बनाया गया है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 अगस्त तक अंकीभूत कॉलेजों से उनके पोर्टल उपयोग और कर्मचारी डेटाबेस निर्माण की स्थिति बिना किसी असफलता के उपलब्ध कराने को कहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर पोर्टल के उपयोग को रोकने वाली कोई तकनीकी समस्या या चुनौतियां हैं तो उसको भी अंकीभूत कॉलेज उजागर करे ताकि विश्वविद्यालय उन्हें हल करने में सहायता कर सके। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में 103 सरकारी स्कूल चल रहे बिना विद्यार्थियों के, 22 शिक्षक है कार्यरत। झारखंड के 103 सरकारी स्कूल बिना विद्यार्थियों के चल रहे हैं। इनमें से कई स्कूलों में शिक्षक भी नियुक्त हैं, जिन्हें सरकार वेतन भी दे रही है। इनमें से अधिकतर उत्क्रमीय विद्यालय हैं। इन्हें शिक्षा गारंटी केंद्र के तहत प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। जिन स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं है, उनमें कई हाई स्कूल भी शामिल है। इन 103 सरकारी स्कूलों में से 13 में फिलहाल 22 शिक्षक कार्यरत है। इनमें से 3 विद्यालयों में 3 शिक्षक कार्यरत है, 3 विद्यालयों में 2-2 शिक्षक व शेष विद्यालय में 1-1 शिक्षक कार्यरत है। विद्यालयों में सहायक शिक्षक से लेकर सरकारी शिक्षक तक कार्यरत है। इन शिक्षकों का वेतन 22,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक है। ऐसे में शिक्षकों का औसतन वेतन 30,000 भी मान लिया जाए तो इन शिक्षकों के वेतन पर सरकार प्रतिमाह 5 लाख रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इसके अलावा कई विद्यालयों में कर्मचारी भी कार्यरत है। महिलाओं की बैंक क्रेडिट राशि पहले से 12 गुना ज्यादा, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4.5 वर्षों में झारखंड में महिला समूह से जुड़ी लाखों दीदी बहनों को झारखंड की अबुआ सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक की राशि बैंक क्रेडिट लिंकेज के तहत भी प्रदान की है, जिससे वह अपनी आजीविका बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। पूर्व की भाजपा सरकारों की तुलना में यह राशि 12 गुना ज्यादा है। उन्होंने ये बातें खूंटी के साही लोंग की सुमित्रा तिर्की के संबंध में कही। तिर्की सखी मंडल से जुड़कर BC सखी के रूप में बैंकिंग सेवाएं दे रही है। उनकी सालाना आमदनी लाख रुपए से ज्यादा है। सारठ विधायक रणधीर सिंह थे दुमका में, लेकिन युवा आक्रोश रैली के दौरान दर्ज हुआ भड़काऊ भाषण देने का केस।
भाजयुमो की 23 अगस्त को हुई रैली में भाजपा के 51 नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें कई मंत्री, सांसद और विधायक के नाम भी शामिल हैं। राजधानी के कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार ने इन नेताओं पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में सारठ के विधायक रणधीर सिंह का नाम 14वें आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। इस दिन विधायक रणधीर सिंह की दुमका कोर्ट में पेशी थी। श्री सिंह 12:30 बजे दुमका कोर्ट में पेश हुए थे। सारठ विधायक रणधीर सिंह मोरहाबादी मैदान में भाजयुमो की आक्रोश रैली में शामिल नहीं हुए थे। 6 जिलों के डीसी ने बताया, संथाल में घुसपैठिए नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा, आदिवासियों की संख्या कैसे घटी, यह भी बताएं। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल इलाके के उपायुक्तों और एसपी द्वारा अदालत में दिए गए हलफनामे में आदिवासियों की लगातार घटती आबादी पर कोई जानकारी नहीं देने पर निराशा जताई है। दानियाल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 22 अगस्त को 5 पन्नों के अपने आदेश में केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने पर भी नाराजगी जताई है। जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की विस्तृत कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ रहा था डॉक्टर इश्तियाक, इनमें इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल। ईडी जमीन घोटाला में लता शेगी अलकायदा लिंक। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के बाद अब उसके करीबी रहे बबलू खान से ईडी आज पूछताछ करेगी। वहीं लेकव्यू अस्पताल का संचालक भी है। ऐसे में एजेंसी पता लगाएगी कि वह आतंकी संगठनों के पैसों का जमीन में तो निवेश नहीं कर रहा था। आज ईडी उससे पूछताछ करेगी। इसके लिए सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इधर डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के क्रम में जांच एजेंसी को कई नई बातें पता चली है। जानकारी मिली है कि वह पढ़े लिखे युवाओं को संगठन से जोड़ रहा था, इनमें इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल है। उन्हें सुनियोजित तरीके से ट्रेंड करने की तैयारी थी। पिछले दिनों की पूछताछ में स्लीपर सेल से मॉड्यूल का सरगना बना डॉक्टर इश्तियाक ने बताया था कि चान्हो में हथियार ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।